गुड मॉर्निंग, कैसे हो? हाँ, थोड़ा डिले हुआ है बेटा, कुछ कारण है। देखो तो बाल भी मुड़ा हुआ है। हाँ, घटना घटी है। 60-70 को बच्चा ज्वाइन किए हुआ है। चलो हम शुरू करें, ऐसे भी लेट हो गया है। तो देख लो, ये बायोडाइवर्सिटी पढ़ाना, इससे पहले आपको पॉपुलेशन इंटरेक्शन हम बताए थे, इकोसिस्टम भी बता दिए थे, और पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो बताए थे आपका, वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का जो लास्ट पार्ट था, तो बहुत अच्छा उसमें कमेंट भी आया है और व्यू भी आया है, तो इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। मोर और लेस 7,000 बच्चा उसको देखा है। इसी तरीके से आप अपना प्यार देते रहिए, हम कोशिश करेंगे आपको वीडियो अच्छा से अच्छा बना के आपको भेजें। चले आओ, ये बायोडाइवर्सिटी में आ जाओ। तो बायोडाइवर्सिटी, सब आदमी जान रहे हो कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायो मीन्स होता है लिविंग थिंग, डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म। तो आप कह सकते हो कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ द लाइफ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। तो देखोगे बायोडाइवर्सिटी नॉट ओनली होल लिविंग थिंग में होता है, एक विद इन स्पेसिस भी देखोगे, जैसे ह्यूमन बींग को देखो ना, सबका लेंथ, कलर, हर चीज़ देखोगे अलग अलग होता है। तो इसको भी क्या कहा जाता है, डाइवर्सिटी कहा जाता है, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिटी का मतलब ही होता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ द लाइफ। तो इस चैप्टर में तुमको जो पढ़ना है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, डिफिनीशन पढ़ोगे, ये एडवर्ड विलियम का दिए हुआ है। उसके बाद पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे, पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में बताएंगे तुम्हारा लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट होता है, स्पेसिस रिचनेस पढ़ोगे तुम ग्राफ के द्वारा। उसके बाद है कि हाउ मच बायोडाइवर्सिटी, तो दोनों पढ़ोगे, वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी कितना है तुम्हारा। और उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंस, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, जिसमें देखोगे दो साइंटिस्ट अपना कंक्लूजन दिए हुआ है। उसके बाद तुमको पढ़ना है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में दो चीज पढ़ोगे, हाउ मच अभी तक कितना लॉस हो चुका है, व्हाट आर द कॉज, कॉज क्या है बायोडाइवर्सिटी का। और लास्ट पढ़ोगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन में पढ़ोगे व्हाई, क्यों बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाए, और दूसरा हाउ, कैसे आप कंजर्व करोगे। तो इसका पहला पार्ट हम शुरू कर रहे हैं तुम्हारा कि बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली होता क्या है, दूसरा पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्पेसिस का क्या है तुम्हारा, उसके बाद हाउ मच बायोडाइवर्सिटी, कितना बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड में है और इंडिया में है। शुरू करें, इजाज़त है बेटा। अब देखो एनसीईआरटी में, देखो बायोडाइवर्सिटी का एक हम डिफिनीशन दे रहे हैं तुमको, ये देखो क्या कहता है, द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेस इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, मेराइन एंड अदर एक्वेटिक इकोसिस्टम्स एंड द इकोलॉजिकल कम्प्लेक्सेस ऑफ व्हिच दे आर ए पार्ट, दिस इंक्लूड डाइवर्सिटी विद इन स्पेसिस, बिटवीन स्पेसिस एंड ऑफ इकोसिस्टम। यानी डाइवर्सिटी जो होता है तुम्हारा तीन लेवल पे होता है, एक स्पेसिस लेवल, एक डिफरेंट स्पेसिस के बीच में, मान स्पेसिस लेवल का मतलब हुआ विद इन स्पेसिस, दूसरा हुआ डिफरेंट स्पेसिस के बीच में, और तीसरा हुआ तुम्हारा इकोसिस्टम के लेवल पे जो डाइवर्सिफिकेशन होता है, तो उसी को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। देखोगे इसमें एक डायग्राम हम दिए, देखो ये डॉग है, अब देखो ये एक ही स्पेसिस है, लेकिन देख लो कलर में, देख लो, देख रहे हो, तो ये भी एक टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी हुआ तुम्हारा। अब थोड़ा सा देखो डाटा क्या क्या है, कितना बायोडाइवर्सिटी है। अब देखो एक डाटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इस अर्थ पे मोर और लेस तुम्हारा 20,000 स्पेसिस ऑफ एंट्स है। ये आपको याद करना है, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा तुमको डाटा ही याद करना है जो नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछता है। तो देख लो एंट का, यानी ये इंसेक्ट ग्रुप में आता है, तुम्हारा कितना है 20,000, आपके एनसीईआरटी में ये दिए हुआ है।
ये देखो 20,000 स्पीसीज ऑफ एंट है, फिर देखो 3,00,000 स्पीसीज ऑफ बेटल्स है, देखो इंसेक्ट की ही देखो ये सब आ रहा है, ये सब आर्थ्रोपोडा ग्रुप में ही है तुम्हारा। फिर देखो 28,000 स्पीसीज ऑफ फिश एंड नियरली 20,000 स्पीसीज ऑफ ऑर्चिड है तुम्हारा। उसको देखो ये एनसीईआरटी में आपको डाटा दिया हुआ है, ये याद करना है तुमको, समझ में आया। उसके बाद देखो बायोडाइवर्सिटी का जो डिफिनीशन दिया था तुम्हारा एडवर्ड विल्सन, ये दिमाग में रखना है। देखो ये एडवर्ड विल्सन क्या कहता है, देखो इट इज द कंबाइंड बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आप बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हो, ऊपर से नहीं बताएंगे, जैसे ये पढ़े हो ऑर्गेनिज्म, यही ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ग्रुपिंग करके तुम्हारा पॉपुलेशन बनाता है। तो यहां पर सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म देख लो, सेम टाइप होगा, यही पॉपुलेशन क्या बनाता है, कम्युनिटी। तो यहां डिफरेंट पॉपुलेशन ग्रुप करके तुम्हारा क्या बनाता है, तो यही पर जो वेरिएशन होता है डिफरेंट लिविंग थिंग के बीच में, उसी को कहा जाता है बायोडायवर्सिटी, जो तुम्हारा एडवर्ड विल्सन ने डिफिनेशन दिया था। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी देख लो क्या कहता है। एक होता है जेनेटिक डायवर्सिटी, ये जेनेटिक डायवर्सिटी इज नथिंग विद इन द स्पेसिस, स्पेसिस के एक सेम स्पेसिस के बीच में जो वेरिएशन होता है तो उसी को कहा जाता है जेनेटिक डायवर्सिटी। देखो कहता है जेनेटिक वेरिएबिलिटी और डायवर्सिटी विद इन ए स्पेसिस, सिंपल में याद रखना है डायवर्सिटी विद इन ए स्पेसिस, तो उसी को कहा जाता है जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। देखो क्या कहता है, बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पेसिस। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है तुम्हारा, देखो 1,000 मैंगो, रिकॉर्डेड वैरायटी ऑफ मैंगो है देख लो। तो मैंगो जो है तुम्हारा एक स्पेसिस है, उस मैंगो में देख लो 1,000 वैरायटी है तुम्हारा। उसी तरीके से देखो 50,000 ऑफ कहता है रिकॉर्डेड वैरायटीज ऑफ द ओराइजा सटाइवा, ये क्या हो गया ओराइजा सटाइवा तुम्हारा राइस हो गया, 50,000 तुम्हारा वैरायटी ऑफ राइस है तुम्हारा, ठीक है। अब क्या देखो ये रॉ ओल्फिया होमेटेरिया ग्रोइंग इन ए डिफरेंट हिमालयन रेंज प्रोड्यूस रेस्प्रिन। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये रॉ ओल्फिया होमेटेरिया क्या होता है, ये हिमालय रीजन में पाया जाता है, तो डिफरेंट हिमालय रीजन में क्या होता है उसका जो प्रोडक्शन जो होता है उसे एक केमिकल निकलती है तुम्हारा रेस्पमिन। तो ये क्वांटिटी क्या होता है, अलग अलग होता है तुम्हारा। तो ये अलग अलग किसके चलते हुआ, इसका मतलब वो जेनेटिक वेरिएशन हुआ है एक ही स्पेसिस, लेकिन वो डिफरेंट हिमालय रेंज में पाया जाता है जिसके चलते वहाँ के क्लाइमेट के अनुसार इस केमिकल का जो फॉर्मेशन होता है वो डिफरेंट होता है, क्वांटिटी अलग अलग हो जाता है। अब व्हाट आर द यूज ऑफ द रेस्पिरिन, आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो, देखें तुम लोगों को कितना आता है। रिसरपाइन याद रखना, ये नीटो पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये प्लांट देखो रॉल्फिया भोमिटोरिया, ठीक है। अब देखो दूसरा आता है तुम्हारा स्पेसिस डायवर्सिटी, देखो कहता है डायवर्सिटी बिटवीन डिफरेंट स्पेसिस। आप देखते होगे बिल्ली को देखो, टाइगर को देखो, दोनों एक ही स्पेसिस है तुम्हारा। लायन को देखो, लियोपॉड को देखो, क्या है ये जीनस एक है लेकिन स्पेसिस अलग अलग हो जाता है, ध्यान से देखो ना। मोरल्स देखो यहां पर, ये डायग्राम को देखो, इसको देखो, इसका चेहरा ये देखो, ये कैट है तुम्हारा देख लो। तो देखो जीनस दोनों का एक ही है, फिलस जेनिस आता है देख लो, लेकिन स्पेसिस क्या है अलग अलग है, एक है टिग्रिस एक है डोमेस्टिका, वो बिल्ली जो घर में होता है। उसी तरीके से देखोगे द वेस्टर्न घाट हैव ए ग्रेटर एम्फीबियन स्पेसिस डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट। ये तुम्हारा ये इंडिया का हॉट स्पॉट है तुम्हारा, तो वेस्टर्न घाट में जो है एम्फीबियन स्पेसिस जो है डायवर्सिटी बहुत ज्यादा पाया जाता है इन कंपेरिजन टू द ईस्टर्न घाट, ये दिमाग में रखना है। तो ये स्पेसिस डायवर्सिटी समझ में आ गई बेटा,
ये देखो इकोसिस्टम डायवर्सिटी, डायवर्सिटी विद इन ए रीजन। ये विद इन ए रीजन का मतलब समझ रहे हो, एक किसी भी पर्टिकुलर रीजन में, याद करो बताए थे बायोम, तो बायोम क्या होता है, एक पर्टिकुलर रीजन होता है जहां पे टेम्परेचर और रेनफॉल क्या होता है मोर और लेस यूनिफॉर्म होता है। जैसे डिजर्ट में चले जाओगे तो डिजर्ट एरिया जो भी वट एवर द एरिया, तो वहाँ पे क्या होता है तुम्हारा टेम्परेचर और रेनफॉल ऑलमोस्ट क्या होता है सेम होता है तुम्हारा, तो वहाँ पे जो इकोसिस्टम में जो वेरिएशन होता है तो उसी को कहा जाता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ दी हुआ है, सोला फॉरेस्ट और एक दी हुआ है ग्रासलैंड। कहता है इंडिया हैज़ ए ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन ए स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे, डिजर्ट रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स एंड वेटलैंड ईटीसी। तो आपको इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है इंडिया में इन कंपेरिजन टू द स्कैंडिनेविया जो होता है कंट्री लाइक, तो ये यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होता है। तो उस कंट्री में तुम्हारा आता है तुम्हारा नॉर्वे, तो उसके कंपेरिजन में आपको इंडिया में ज़्यादा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो याद रखना है डाइवर्सिटी विद इन ए रीजन, तो विद इन ए रीजन का मतलब क्या हो गया, एक बायोम के अंदर में। अब देखो यहां पर क्या कहता है कि हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया, कितना बने स्पीसीज तुम्हारा वो अर्थ पे, अर्थ का मतलब क्या हुआ वर्ल्ड में और इंडिया में। तो यहां पर जो डाटा दे रहा है देख लो, कहता है टोटल डिस्कवर्ड स्पीसीज, यही याद करना है बेटा, टोटल डिस्कवर्ड स्पीसीज जो है तुम्हारा मोर देन 1.5 मिलियन, ये याद करना है। देखो ये नीट पॉइंट, और ये रिपोर्ट कहाँ से आया है, IUCN, देखो ये 2004 में दिया है तुम्हारा, 2004 में। इसका फुल फॉर्म जानो क्या होता है, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो, IUCN क्या होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, क्या बोलोगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखो कहता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है इंटरनेशनल यूनियन फॉर, सॉरी ऑफ नहीं होगा, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एस्टिमेटेड टोटल नंबर जो है तुम्हारा ये 7 मिलियन है, डिस्कवर्ड कितना हुआ 1.5, और ये रॉबर्ट में, ये याद रखना है बेटा, यही इसी को माना जाता है, ऐसे बहुत लोग का कहना है कि माने 20 से लेके 30 मिलियन जो है तुम्हारा क्या है स्पीसीज इस अर्थ पे है, लेकिन ये जो एस्टिमेटेड टोटल जो निकाला था 7 मिलियन रॉबर्ट में, ये याद रखना है। अब देखो क्या कहता है, स्पीसीज इन्वेंट्रीज आर मोर कम्पीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल कंट्री, माने इन्वेंट्री का मतलब क्या, बुक जो ज़्यादा कहाँ से, टेम्परेट रीजन से आया है इन कंपेरिजन टू द ट्रॉपिकल कंट्री। अब देखो इसमें ये जो स्पीसीज का जो काउंटिंग किया जाता है तो उसमें प्रोकैरियोट्स को काउंट नहीं किया जाता है, ये याद रखना, प्रोकैरियोट्स को काउंट इसमें नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है जल्दी बोलो, प्रोकैरियोट्स का मतलब तुम्हारा बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, तो आपको तो पता है कि उसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, इतना ज़्यादा ना उसमें म्यूटेशन होता है कि इतना ना न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है कि आप एक रिसर्च करते करते होता है दूसरा हो जाता है, तो उसको यहाँ पर काउंट नहीं किया जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या कहता है, 70% ऑफ ऑल द डिस्कवर्ड स्पीसीज आर एनिमल, माने ये 1.5 मिलियन स्पीसीज में तुम्हारा 70% क्या है एनिमल है तुम्हारा, और उस 70% में 70% क्या है इंसेक्ट है, ध्यान से देखना, ये 1.5 मिलियन ये डिस्कवर्ड है, तो इसमें तुम्हारा 70% क्या है एनिमल है, और इस 70% एनिमल में 70% क्या है तुम्हारा इंसेक्ट है, यानी अगर इसको जोड़ोगे तो हर 10 एनिमल पर एक तुम्हारा इंसेक्ट है, ठीक है। अब देखो कहता है प्लांट इंक्लूडेड फंजाई, माने फंजाई को भी ले लिया है, तो 22% ऑफ ऑल स्पीसीज इन इंडिया। अब देखो क्या कहता है, 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, माने पूरे वर्ल्ड में जो फॉरेस्ट एरिया है वो मात्र 2.4 ही है परसेंट, ठीक है। अब कहता है ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है तुम्हारा 8.1%,
उसमें ये हम इंडिया की बात बता रहे हैं, माने पूरे वर्ल्ड में जो जितना डाइवर्सिटी है उसमें से तुम्हारा 2.4% कहाँ है, इंडिया में है तुम्हारा। और जितना वर्ल्ड लेवल पे लेते हो तो उसमें जो है ग्लोबल स्पेसिस में 8.1% जो है आपके इंडिया में है आप, ठीक है। दूसरा, ये जो मेगा बायोडाइवर्सिटी लेता है पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें 12 पोजीशन तुम्हारे इंडिया का है, तो वही 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब देख लो यहाँ पर क्या करता है, 45,000 प्लांट्स स्पेसिस एंड 90,000 एनिमल्स, एक्चुअल 1,00,000 प्लांट्स एंड 3,00,000 एनिमल है अभी तक। देख लो जो आया है डाटा, तो उसमें 45,000 ही प्लांट स्पेसिस आ रहा है और 90,000 तुम्हारा एनिमल स्पेसिस आ रहा है, लेकिन एक्चुअल क्या है, 1,00,000 प्लांट्स एंड 3,00,000 एनिमल्स आता है। ये देखो एक चार्ट एनसीईआरटी में दिए हुआ है तुम्हारा कि इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट का पोजीशन दिया हुआ है। अब वर्टिब्रेट में देखो सबसे ज्यादा क्या है तुम्हारा, फिश है, दिखाई दे रहा है बेटा, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये आप एनसीईआरटी का बुक खोल लो, ये देखो ये फीस का दे रहा, देखो 50% देख लो ध्यान से, अगर लोगे तो 50% में देख लो तुम्हारा क्या है, फीस है। उसके बाद देखो ये मैमल है, तो 1, 2, 3, 4, तो अगर 50% को अगर बांटोगे तो मोर और लेस देखो ये एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मोर और लेस तुम्हारा क्या है, इक्वल है तुम्हारा। उस 50% को अगर बांटोगे तो मैमल, बर्ड्स, रेप्टाइल एंड एम्फीबियन मोर और लेस इक्वली ऑक्यूपाइड है। प्लांट के केस में देखोगे तो सबसे ज्यादा देखो फंजाई है, मॉस का पोजीशन देखो कम है, फर देखो, एंजियोस्पर्म देख लो ये है, तो उस एंजियोस्पर्म के कंपैरिजन में फंजाई तुम्हारा क्या है, सबसे ज्यादा है। ये एनसीईआरटी में दिए हुआ है, तो थोड़ा सा चार्ट बेटा देख लो। उसी तरीके से इनवर्टिब्रेट में आओगे देख लो मोलस्क का, देखो सबसे ज्यादा देखो इंसेक्ट है, मोर और लेस तुम्हारे पूरे वर्ल्ड के अगर लैंड लोगे तो 75% क्या है तुम्हारा इंसेक्ट है, देख लो ये, और रेस्ट जो 25% है उसमें अदर लिविंग थिंग आता है आपका, क्लियर है। ये देखो पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आओ, यही आपको समझना है। तो पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी में दो चीज आप देखोगे, एक है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट और दूसरा है तुम्हारा स्पेसिस रिचनेस, तो ग्राफ के द्वारा देखोगे। तो देखो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, देखो क्या कहता है कि द बायोडाइवर्सिटी इज नॉट यूनिफॉर्म बट शोज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर मतलब समझो देखो क्या कहता है। पहले तो समझो कि लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट क्या होता है, सपोज करो ये तुम्हारा अर्थ है, तो ये क्या हो गया इक्वेटर, ये देखो अब इससे इधर बढ़ो तो पोल के साइड, इधर बढ़ो तो पोल, तो ये क्या हो गया पोल हो गया तुम्हारा, तो इसी को मान लो नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल सपोज करो। तब देखो यहां इस इक्वेटर के जो आसपास एरिया होता है, ये देखो ये एरिया, इसी को कहा जाता है ट्रॉपिकल एरिया, क्या बोलोगे इसको, ट्रॉपिकल एरिया। तो यही ध्यान से देखना, इस इक्वेटर से नॉर्थ पोल के तरफ जाओ या साउथ पोल की तरफ जाओ, तो इसी को ये जो ऊपर नीचे जो करते हो तो इसी को देखो, ये ऐसे ऐसे जाओ या ऐसे आओ, तो इसी को कहा जाता है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। तो एक्चुअली यहां पर जो ग्रेडियंट जो है ना, देखो यहां ये इक्वेटर से ही 0 डिग्री से शुरू होता है, तो मोर और लेस तुम्हारा ये जो होता है 23, ये देखो ये मोर और लेस होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ होता है तुम्हारा, ये तो ये ट्रॉपिकल एरिया है। इसके ऊपर बढ़ोगे
तो इसको टेम्परेट रीजन कहा जाता है, और इस सब पोल के नियर तो वो पोलर रीजन हो गया तुम्हारा। तो मोर और लेस ये जो लेटिट्यूडिनल ग्रेडियंट के आधार पे जो बांटा हुआ, तो देखो ट्रॉपिक्स, टेम्परेट और पोलर रीजन, ठीक है। अब देखो यहीं पर पढ़े होंगे इस ट्रॉफिक है, देखो ये 23 जो डिग्री जो दिखा रहा है इधर इधर, तो इसी को क्या बोलते हो, एक को बोलते हो ट्रॉफिक ऑफ कैंसर, और ये साउथ पोल के तरफ को क्या बोलते हो ट्रॉफिक ऑफ कॉर्पोरेलियन। तो इस तरीके से बांटे हुआ है, तो ज्योग्राफी उतना नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा जानो। और आप पढ़े हो कि ट्रॉफिकल रीजन पे क्या होता है, सनलाइट ज्यादा होता है, तो जहां पे सनलाइट ज्यादा होगा तो प्लांट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेगा। तो जब फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक यहां पर क्या होगा, बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे ऊपर या नीचे बढ़ोगे तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होने लगता है। तो टेम्परेट रीजन में क्या होता है, टेम्परेचर कम होने लगता है। तो जब टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, बायोडायवर्सिटी कम होने लगता है। सबसे कम बायोडायवर्सिटी कहाँ होता है तुम्हारा, पोलर रीजन की तरफ। तो इसी को कहा जाता है लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट। तो यहाँ देखो क्या कहता है, द बायोडायवर्सिटी नॉट यूनिफॉर्म बट शोज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो देख लो ना, इस इक्वेटर से बढ़ोगे तो क्या होता है, बायोडायवर्सिटी धीरे धीरे घटने लगता है, चाहे इधर आओ या इधर आओ। तो सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहाँ होता है, तुम्हारा ट्रॉपिकल रीजन में होता है। तब देख लो क्या कहता है, स्पेसिस डायवर्सिटी डिक्रीजेस एज यू मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल। माने जैसे जैसे पोल के तरफ बढ़ोगे, चाहे वो नॉर्थ पोल के तरफ जाओ या साउथ पोल के तरफ जाओ, तो क्या होता है, बायोडायवर्सिटी डिक्रीज करने लगता है। अब क्यों डिक्रीज करता है, उसका रीजन हम बताएंगे। एक रीजन तुमको हमने बताया ना कि इक्वेटर पे क्या होता है, सबसे ज्यादा सनलाइट आती है। तो क्योंकि पड़े हो प्लांट जो है सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करता है, तो जहां पे जितना ज्यादा प्लांट होगा तो वहां पे बायोडायवर्सिटी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा आपका। अब देखो यहां पर क्या दिए हुआ, ट्रॉपिक्स, देखो लेटिट्यूडनल रेंज जो होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, ये याद रखना है। देख लो, देखो हार्बर मोर स्पेसिस देन टेम्परेट और पोलर एरिया। अब यहां पर देखो क्या कहता है, कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज नियरली, एनसीईआरटी में देखो ये जो कोलंबिया जो तुम्हारा है वो कहाँ है, इक्वेटर के पास है, और वहां पे देख लो क्या कहता है, 1400 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स होता है। फिर वाइल देखो न्यूयॉर्क एट 41 नॉर्थ हैज है, तो वहां पर मात्र देखो क्या कहता है, 105 स्पेसीज, एंड ग्रीनलैंड में देख लो ये 71 नॉर्थ पे है, तो वहां पर सिर्फ 56 स्पेसीज है। लेकिन इंडिया में आ जाओ, देख लो कहता है इंडिया हैज मोर देन 1200 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स होता है। तो देख लो ये जो वेरिएशन देख लो क्या होता है, सिर्फ उसी लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट के चलते होता है। अब देखो क्या कहता है, इक्वाडोर हैज 10 टाइम्स स्पेसीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट एज ए फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया इन ए टेम्परेट रीजन लाइक द मिड वेस्ट ऑफ द यूएसए। एमेजोन रेन फॉरेस्ट, नाम सुने हो, अमेजन रेन फॉरेस्ट को क्या बोलते हो, लंग ऑफ अर्थ और ग्रेटेस्ट बायोडायवर्सिटी। अब वहां पर देखो क्या कहता है, 40,000 प्लांट स्पेसीज, 3,000 फिश स्पेसीज और 1300 बर्ड्स स्पेसीज, 427 मैमल्स है और 427 एम्फीबियंस। अब देखो 378 रेप्टाइल्स है, अब देखो 12,000, ये देखो क्या कहता है, 1,25,000 इनवर्टिब्रेट स्पेसीज एंड एटलीस्ट 2 मिलियन न्यू स्पेसीज वेटिंग फॉर डिस्कवरी साउथ अफ्रीका। ध्यान से देखो क्या कहता है, सबसे ज्यादा तुम्हारा ये अमेजन फॉरेस्ट जो है तुम्हारा ये ब्राजील कंट्री के तरफ आता है, इसमें एक दो कंट्री नहीं है, 2-3 कंट्री मिला हुआ, जिसको लंग्स ऑफ, यानी आपका 25% ऑक्सीजन अर्थ पे वहीं से आता है। तो वहां पे कहता है कि एटलीस्ट 2 मिलियन न्यू स्पेसीज वेटिंग फॉर डिस्कवरी, अभी भी वो अनडिस्कवर्ड है, और वो कहां पे है, तुम्हारा साउथ अमेरिका में है।
ये देखो कहता है व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिक्स दैट माइट अकाउंट फॉर देयर ग्रेटर बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। अब देखो यहां पर क्या कहता है कि ट्रॉपिकल रीजन में बायोडाइवर्सिटी इतना ज्यादा क्यों है इन कंपेरिजन टू द अदर रीजन, जैसे टेम्परेट रीजन हो गया या पोलर रीजन। तो देखो रीजन क्या देता है ये याद करना बेटा, देखो कहता है मोर सनलाइट। आप पढ़े हो कि इक्वेटर पे क्या होता है, ये देखो ये इक्वेटर है और ये आपका सन है, तो ये सन से क्या होता है डायरेक्ट लाइट इक्वेटर पे आता है और यहां से डिफ्यूज होके लाइट क्या होता है पोल के तरफ पड़ता है, जिसके चलते यहां पर सनलाइट क्या होता है सबसे ज्यादा होता है और इस इक्वेटर के आसपास के एरिया को ही क्या कहा जाता है ट्रॉपिकल रीजन। जैसे जैसे इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ तरफ बढ़ोगे तो टेम्परेचर घटने लगता है और सनलाइट भी घटने लगता है। तो ट्रॉपिकल रीजन में बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा क्यों होता है, तो उसका एक रीजन क्या देता है मोर सनलाइट। दूसरा देखो क्या कहता है, टेम्परेट रीजन हैज फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन सो लाइफ स्टार्ट फ्रेश एवरी टाइम। क्या होता है इस टेम्परेट रीजन जो ट्रॉपिकल के बाद जो रीजन आता है तो यहां पर क्या होता है बर्फबारी बहुत ज्यादा होता है, ग्लेशिएशन होता है, जिसके चलते क्या होता है जो भी लाइफ होता है उस बर्फ में दब जाता है और वो लाइफ खत्म हो जाता है, फिर से लाइफ वहां पर फ्रेश स्टार्ट होता है एवरी टाइम। दूसरा देखो क्या कहता है, ट्रॉपिकल लेटिट्यूड हैव रिमेन्ड अनडिस्टर्ब फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, और ये ट्रॉपिकल लेटिट्यूड पर क्या होता है ग्लेशिएशन नहीं होता है इसलिए वो अनडिस्टर्ब है, इसलिए बायोडाइवर्सिटी वहां सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब देखो टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेट रीजन बट इन ट्रॉपिकल टेम्परेचर रिमेन अनचेंज, मेरी बात समझ रहे हो, टेम्परेट रीजन में क्या होता है टेम्परेचर हमेशा चेंज होता रहता है लेकिन मोर ऑर लेस ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है टेम्परेचर तुम्हारा एवरेज लोगे तो रिमेन अनचेंज्ड होता है, जिसके चलते यहां पर क्या होता है बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होता है। आपका अमेजन फॉरेस्ट भी कहाँ है, जो रेन फॉरेस्ट बोलते हैं वो भी आपका ट्रॉपिकल रीजन में ही है, ठीक है। अब यहां पर एक आता है तुम्हारा निंच क्या होता है, अब यहां पर क्या कहता है मोर निंच होता है, मोर निंच का मतलब क्या होता है देख लो, निंच का मतलब होता है फंक्शनल रोल एंड लिविंग थिंग इन ए इकोसिस्टम, माने क्या होता है कि हर इकोसिस्टम में एक पर्टिकुलर स्पेसिस का रोल होता है, तो एक ही टाइप का जो लिविंग थिंग होगा वो एक इकोसिस्टम एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं पाया जाता है। तो देखो यही कहता है मोर नहीं देखो स्पेशलाइजेशन और इसी नीच के कारण स्पेशलाइजेशन होता है। नीच देखो क्या कहता है द फंक्शनल रोल एंड लिविंग थिंग इन ए इकोसिस्टम। अब ये फंक्शनल रोल का मतलब क्या हुआ, हैबिटेट, ट्रॉफिक लेवल क्या है उसका, प्रे प्रीडेटर, फूड हैबिट क्या है और टाइम क्या है। तो क्या कहता है देखो कहता है नो टू स्पीसीज ऑक्यूपाई सेम नीच, एक ही तरह का जो स्पीसीज है वो एक नीच में नहीं रह सकता है, क्यों, क्योंकि तब तो वहां कंपटीशन हो जाएगा फूड के लिए ना। आपको एक एग्जांपल भी हम बताए थे कि एक ही टाइप का स्पीसीज था लेकिन उसने क्या किया था फूड के लिए टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था कि सवेरे तुम करना दोपहर में हम शाम में तब, तो वहां पर क्या होता है कंपटीशन कम होता है। तो ये तुमको पढ़ना, इसके बाद पढ़ोगे स्पीसीज रिचनेस, उम्मीद है तुमको समझ में आया होगा। इसमें डाटा बेटा ज्यादा याद करना है, समझ में आई मेरी बात, और विशेष सब जानते हो, थोड़ा सा मित्रों के बीच में फैलाइए और सब्सक्रिप्शन को बढ़ाओ, और अधिक जानकारी अगर आपको लेना है तो नीचे देखो लिखा हुआ है तुम्हारा www.parmartham.com, एक तुम्हारा फॉर फिजिक्स भी है ग्रेविटी फिजिक्स फॉर ER एस कुमार, यूट्यूब पर जाओगे तो ये ग्रेविटी फिजिक्स बाय ER एस कुमार निकालोगे, बहुत अच्छा फिजिक्स पढ़ाते हैं, ध्यान से देखो, धन्यवाद।